जय हिंद दोस्तों, हम लोग का आज रहेगा चैप्टर त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। क्लास टेंथ वाले बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान क्या होता है, रट रट के परेशान हो जाते, फिर भूल जाते हैं। तो अब इससे आपको मुक्ति मिल जाएगा। आपको एक मरतब ये वीडियो देख लीजिए, आपको फिर टेंशन आएगा। इसमें कुछ बेसिक रहता है, उसके थ्रू हम आपको बता देंगे कैसे निकाला जाता है मान। अब देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब त्रिभुज हो गया। अब देखिए, एक त्रिकोणमिति में एक कोण जो होता है ना 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री का हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक। अब मान लीजिए इसको थीटा, और जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है उसको हम लोग बोलते हैं सम्मुख भुजा। क्या बोलते हैं? सम्मुख भुजा। और जो सटा हुआ भुजा रहता है तो उसको बोलते हैं संलग्न भुजा। संलग्न भुजा है, इसको दूसरे भाषा में हम कहते हैं आधार, और इसको लंब कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब यही चीज हमको देखना होगा। जैसे ये थीटा है तो इसके सामने वाला भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ये और जो सटा हुआ भुजा है उसको आधार बोलेंगे, संलग्न भुजा कहेंगे। अब जैसे ये कोण है, कोण ए का लंब कौन हो जाएगा? तो कोण ए का लंब क्या हो जाएगा? बीसी हो जाएगा। और ये आधार कौन सा हो जाएगा? आधार ए भी हो जाएगा। तो जो सामने वाली भुजा रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार अपॉन कर्ण होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, कॉट थीटा बराबर आधार अपॉन लंब होता है, कॉट के बाद सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा, और कॉस सेक कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा। यही हमको क्या करना है, यही फार्मूला को हमको रटना होगा। और दूसरा एक फार्मूला क्या होता है कि टैन थीटा बराबर ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब एक चीज़ हमको देखना होगा कि देखिए, साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। कॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। और कॉट का अपोजिट क्या होगा? टैन हो जाएगा। देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है। अब देखिए, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब है, इसका क्या है? सीधा अपोजिट है। तो हमको यही सोचना होगा कि ये दोनों एक दूसरे का क्या है? अपोजिट है। ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, और ये इसका अपोजिट है। अब देखिए, ये टैन थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर कॉस अपॉन टाइन कॉस सॉरी कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाता है। यही हमको फार्मूला क्या करना होगा, यही हमको याद करना। अब इसके बाद आपको कुछ याद करने का, ऑटोमेटिक आपका त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो जाएगा। अगर ये चीज़ आपको याद हो गया तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। साइन थीटा, थीटा मत लिखिए, कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, अब यहाँ पे लिखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। अब इतना हमको दे देना है। अब इसका निकालना है, पूरा टेबल हमको निकालना है। अब देखिए सब में क्या करिए ना, 0/4 यहाँ पे लिखिए, 1/4 यहाँ पे लिखिए, 2/4 यहाँ पे लिखिए, 3/4 और यहाँ पे लिखिए 4/4। अब सब में क्या करिए ना, रूट उड़ा दीजिए, क्या करना है, सब में रूट उड़ा देना है।
अब देखिए रूट बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा कि अब इसको जीरो में भाग करिएगा, कोई भी संख्या मान लीजिए ये जीरो है, जीरो अपॉन फाइव करिएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब ये जीरो में भाग दीजिए तो जीरो हो जाएगा, रूट के अंदर जीरो हो गया तो अब क्या हो जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा जीरो, तो ये जीरो हो गया। अब साइन तीस का मान तो एक का एक ही हो जाएगा, मगर ये निकल के आएगा कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, चार का स्क्वायर रूट दो होता है। अब ये दो टू टू कट जाएगा टू चांस में, तो इसका कितना हो जाएगा, वन अपॉन रूट टू हो जाएगा। अब इसका देखिए ये रूट थ्री का रूट थ्री ही रह जाएगा, और रूट फोर का मान कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो अपॉन में टू लिख देंगे। अब देखिए ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब देखिए इतना ही हमको ध्यान देना है बस, अब इसके बाद कुछ ध्यान नहीं देना है। अब जैसे देखो कॉस का मान लिखना है तो इसको इधर सजाते चलिए। अब देखिए वहाँ कॉस 90 का मान 1 है तो यहाँ 0 का मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना है, 60 का मान रूट थ्री बाई टू है तो 30 का मान कितना हो जाएगा, रूट थ्री अपॉन टू हो जाएगा। अब देखिए 45 का 1 बाई टू है तो 1 बाई टू ए रूट टू ए हो जाएगा। 30 का कितना है, 1 बाई टू है तो यहाँ पे लिखिए 1 बाई टू हो जाएगा। और 0 का मान कितना है तो इसका 90 का मान वही हो जाएगा। जो साइन जीरो का मान होगा वही वही कॉस 90 का मान हो जाएगा, जो साइन 30 का मान होगा वही कॉस 60 का मान हो जाएगा, जो साइन 45 का मान होगा वही साइन 45 का मान हो जाएगा, सॉरी कॉस 45 का मान हो जाएगा, और जो साइन 60 का मान होगा वही कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा, जो साइन 90 का मान है वही कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। अब देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि टेन थीटा बराबर, हम लोग पढ़े थे टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा पढ़े थे। अब देखिए हमको अगर जीरो डिग्री का टेन जीरो डिग्री का मान रखना है तो पहले साइन जीरो का मान रखेंगे, तो साइन जीरो का मान रखिएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कॉस जीरो का मान कितना हो जाता है, वन। अब कोई भी संख्या में जीरो संख्या में वन से डिवाइड करिएगा तो हमारा जीरो निकल के आता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वैसे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये दो कट जाएगा और इसका मान कितना आ जाएगा, वन बाई रूट थ्री हो जाएगा। अब इसमें इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, और इसमें इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रूट थ्री हमारा निकल के आ जाएगा। और इसमें इसमें डिवाइड करेंगे, अब देखिए वन अपॉन जीरो हो जाएगा क्योंकि साइन जीरो का मान कितना, साइन नब्बे का मान वन हो जाएगा और कॉस नब्बे का मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या में आप जीरो से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, इसको कहते हैं परिभाषित नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया इनफाइनाइट। अब देखिए जैसे हमको टेन का मान निकल गया, कॉट का मान रखना है तो क्या करेंगे, उलट के लिख देंगे। अब यहाँ से इसको यहाँ लिखते चलिए, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट यहाँ पे बैठा दिए, रूट टू है रूट थ्री है यहाँ पे होना होगा, रूट थ्री लिखिए, रूट थ्री यहाँ पे है तो यहाँ पे रूट थ्री लिखिए, यहाँ वन है तो वन लिख दीजिए, यहाँ वन बाई रूट टू रूट थ्री है तो वहाँ यहाँ लिखिए वन बाई रूट थ्री, और यहाँ जीरो है तो यहाँ पे जीरो पुट कर दीजिए। अब देखिए हमको सेक का मान लिखना है, तो सेक का मान लिखने के लिए हमको एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर वन होता है। तो अगर सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए हमको क्या लिखना है, सेक जीरो का मान लिखना है तो सेक जीरो डिग्री बराबर वन अपॉन कॉस जीरो डिग्री है ना। अब कॉस जीरो डिग्री का मान कितना होता है, अब यहाँ पे देख लीजिए जीरो डिग्री का मान वन है तो यहाँ वन हो जाएगा, तो सेक जीरो डिग्री का मान कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ऐसे ही सबको निकालना होगा, तो यहाँ पे हो गया वन। अब इसमें भी अब देखिए इसमें हो क्या रहा है ना कि वन से डिवाइड कर देना, जो कॉस का मान है अगर सेक का मान हमको निकालना है तो वन में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए वन में यहाँ पे कॉस का मान के डिवाइड कर दिया, अब हमको निकालना है सेक तीस का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, कॉस तीस का मान को वन में डिवाइड कर देंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा। अगर हमको 45 का मान निकालना, सेक 45 का मान निकालना है तो कॉस 45 का 45 के मान को 1 बाई 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, रूट टू हो जाएगा। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दो हो जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तब देखिए 1 बाई कॉस 90 का मान कितना होता है, जीरो बराबर क्या होता है, इनफाइनाइट। कोई भी संख्या को अगर जीरो से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट, अपरिभाषित नहीं है, या इसको बोलेंगे अपरिभाषित। अब देखिए कोसेक का लिखना है तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर वन होता है, तो हमको कोसेक थीटा बराबर वन अपॉन साइन थीटा।
होता है। ये हमारा फार्मूला है, फार्मूला हमको रटना पड़ेगा। अब देखिए कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, तो जो भी हमको कोसेक थीटा का मान निकालना हो अगर साइन थीटा का उतने में एक से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कोसेक थीटा का मान निकल जाएगा। अब देखिए कोसेक हमको जीरो का मान लिखना है, तो 1 में sin 0 का मान डिवाइड करेंगे, तो साइन जीरो का मान 0 है, अगर 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इनफाइनाइट लिख दीजिए, चाहे इसको पलट के लिख दीजिए, इसको भी आप पलट के लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है एक दूसरे का रिवर्स हो जाता है। अब वहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे √2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। आया समझ में? अब ये हमारा पूरा टेबल क्या हो गया, टेबल निकल गया। ये हमारा टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आ गया। यही चीज़ हमको क्या करना होता है, लड़का रट 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 के परेशान हो जाते हैं। अब रटने की आपको कोई झंझट की ज़रूरत नहीं, बस एक मरतब आप समझ लीजिए, समझ के क्या करिए बना लीजिए, बात ख़त्म हो जाएगी। ये हो गया। अब देखो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, कॉस साइन 30 का मान 1/2 हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कॉस का निकालना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, रिवर्स कर देंगे, जस्ट इसका क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, हमारा कॉस का मान निकल जाएगा। अब देखिए कॉस 0 का मान लिखना है तो अब साइन 90 का मान रख देंगे 0। अब देखिए ये 0 हो गया, ये 1 का यहाँ पर लिख दिए, √3/2 को तो यहाँ पर लिख दिए, और क्या यहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे 1/√2 हो गया। ठीक, टेन का लिखना होगा तो क्या करेंगे sin θ/cos θ लिख दें, टेन थीटा बराबर हमारा होता है sin θ/cos θ। अगर टेन 0 का मान लिखना है तो साइन 0 का मान लिखेंगे, फिर cos 0 का मान लिखेंगे, जो हमारा आएगा वही हमारा एंसर वैल्यू उसमें पुट कर देंगे, हमारा काम निकल जाएगा। cot थीटा का मान लिखना है तो इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे। अब देखिए sec थीटा बराबर क्या होता है कि sec थीटा बराबर 1/cos θ। अगर sec 0 का मान लिखना है तो क्या करेंगे cos 0 का मान लिख देंगे, और cos 0 का मान को 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा sec 0 का मान निकल जाएगा, तो sec 0 का 1 हो गया, इतना मैंने sec का मान निकाल दिया। अब cosec का मान लिखना है तो क्या करेंगे इसका रिवर्स लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे, और फिर यही हमारा क्या हो जाएगा पूरा टेबल निकल के चार्ट तैयार हो गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे निकाला जाता है, क्या किया जाता है। एक मतलब इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, फिर अगर आपको आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है ना कि मैंने कितना अच्छा पढ़ाया और कितना ख़राब पढ़ाया। अगर अच्छा पढ़ाया तो आप लाइक कर दीजिए, ख़राब पढ़ाया तो डिसलाइक कर दिया। इससे हमको ये पता चल जाएगा ना कि हमारे अंदर क्या कमी है, नहीं है, उसको हम सुधार करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ओके, जय हिंद।